कामत साहेबांच्या मृत्यूची बातमी कळली आणि खरच वाटलं नाही। 63 वर्ष हे काय मृत्यूचं वय नाही, जाण्याचं वय नाही। सहसा असं म्हणतात की 60 झाले म्हणजे राजकारणामध्ये मॅच्युरिटी येते, एक नवीन इनिंग सुरू होते। वयाच्या 28 वर्षी आदरणीय गुरुदासजी खासदार झाले, दिवंगत आदरणीय राजीवजी गांधी यांच्यासोबत काम करण्याची संधी त्यांना मिळाली। आदरणीय सोनियाजी गांधी यांच्यासोबत, राहुलजी गांधी यांच्यासोबत काम करण्याची संधी मिळाली। पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये केंद्रीय मंत्री म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली। असा एक वेगळा अनुभव त्यांच्याकडे होता आणि तो अनुभव आजच्या नवीन पिढीला, आजच्या या काळाला आवश्यक होता। अशा वेळेस गुरुदासजी आपल्याला कायमचे सोडून गेले। माझा संबंध त्यांच्याशी आला तो 2002 मध्ये, नुकतंच सोमय्या मेडिकल कॉलेजमध्ये प्राध्यापिकाची नोकरी सोडून मी राजकारणात उतरलो। दिवंगत रासू दादासाहेब गवई त्या काळात राज्यसभेचे सदस्य होते, गुरुदासजी हे लोकसभेचे सदस्य होते। त्या 2000 निवडणुकीमध्ये काँग्रेस आणि रिपब्लिकन पक्षाने सोबत निवडणूक लढवावी अशा प्रकारचा विचार त्यांनी मांडला आणि आम्ही ती निवडणूक सोबत लढून अनेकदा ते खासदार झाले, अनेकदा त्यांनी निवडणूक लढवल्या, परंतु बहुतांश निवडणुका या त्यांनी ईशान्य मुंबईमधून लढवल्या। ज्या ईशान्य मुंबईमध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांची संख्या जास्त आहे, तेव्हा या लोकांचे काय प्रश्न असतात यासाठी ते माझ्यासोबत नेहमी चर्चा करत असत। ईशान्य मुंबईमधून जरी त्यांनी निवडणूक लढवली तरी शेवटची निवडणूक 2009 ची त्यांनी मतदार संघ बदलण्याचा निर्णय घेतला। तेव्हा त्या ईशान्य मुंबईतील काही कार्यकर्ते 2008-09 मध्ये त्यांच्याकडे गेले की साहेब आम्हाला या रमाबाई नगरमध्ये, रमाबाई नगर ईशान्य मुंबईमध्ये येते, या रमाबाई नगरमध्ये आम्हाला बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा हवा आहे। एक ऐसा दुखद संयोग है कि अपने मित्र और न केवल महाराष्ट्र कांग्रेस बल्कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुरुदास कामत जी की शोक सभा में बोलने का अवसर, ऐसा दुखद अवसर हम सबको आज उसका सामना करना पड़ा। कभी सोचा भी नहीं था, मैं तो जब सुबह सुबह फोन आया तो चौंक गया। 3 बार मैंने कंफर्म किया कोई ICC के लोगों से, क्या सही गुरदास कामत जी का निधन हो गया? ना। ऐसा हसमुख व्यक्तित्व, बिल्कुल स्पष्टवादी, प्रखर वक्ता, उनके जाने का न केवल महाराष्ट्र कांग्रेस को नुकसान हुआ, पूरे राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावा मुझे लगता है देश की राजनीति को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उनके विचार एकदम स्पष्ट होते थे, जो बात कहनी मुंह पे कहते थे, साफ कहते थे। थोड़ी देर बुरा लग सकता है लेकिन बात बाद में समझ में आती थी। और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए तो इतना ज्यादा वो आतुर रहते थे, मुझे कितनी बार कहते थे कि अपनी जो खासदार निधि से मुझे यहाँ इतने टॉयलेट बनवाने हैं, यहाँ ये करना वो करना, आप दे दीजिए, यहाँ सब करके भिजवाइए, पूरा लिस्ट बना के भिजवाते थे। एक एक जगह काम करने की जो लगन उनके अंदर थी, मुझे लगता अगर सारे जनप्रतिनिधियों के अंदर वो बात हो तो मुझे लगता कि हम इस देश के विकास को बहुत आगे ले जा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री के रूप में भी मैं भी उसी मंत्रिमंडल में था और मैं देखता था कि लगातार वो
जिस तरह से जुट के काम करते थे उसकी जितनी सराहना की जाए कम है। और अभी जैसे कि तावड़े जी ने कहा, मराठी में बोल रहे थे लेकिन मैं समझ रहा था कि कितनी बातें उनके बारे में कोई कहता रहे, लेकिन वो दिल से कांग्रेसी थे, दिमाग से कांग्रेसी थे, शरीर से कांग्रेसी थे और गांधी परिवार के प्रति पूरी तरह निष्ठावान थे। ऐसे गुरुदास कामत जी को जब संगठन की बात डोर दी गई तो उन्होंने राजस्थान गुजरात दोनों जगह अथक परिश्रम करके पार्टी को खड़ा करके मजबूत बनाने का काम किया और शायद उसी का असर आज दिख रहा है। उन्हें राजीव गांधी की खोज थी, राजीव गांधी ने उनको पहचान के और उनको लोकसभा का टिकट दिया था। आज हम सबके बीच में नहीं है और उनके शून्य को भरना बड़ा मुश्किल है। मैं उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं, उनकी स्मृति को अपने हृदय में संजोए रखना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए बड़ी तकलीफ की बात इसलिए है कि मैं एक दिन पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जा रहा था, बनारस के पास जौनपुर एक जगह है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पे, और ईद के लिए जा रहा था, बकरीद के लिए। जावेद शराफ साहब यहाँ मौजूद हैं, जावेद भाई ने मुझे फोन किया, मैं फ्लाइट में बैठा तो जावेद भाई ने कहा कि गुरदास कामत जी बात करें, और कामत साहब से मैं दो तीन दिन से कुछ बातचीत चल रही थी उनसे, तो सर ने कहा कि नदीम ईद की मुबारकबाद, तुम कॉन्स्टिट्यूएंसी जा रहे हो और आज ही यानी 29 तारीख को हमारा कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग का प्रदेश का बड़ा सम्मेलन था, तो उन्होंने कहा 29 को तुम आओगे तो मैं खुद उसमें रहूंगा, और मैं सिर्फ रहूंगा ही नहीं बल्कि पूरी ताकत के साथ और पूरे लोगों के साथ आऊंगा। और मुझे बेहद तकलीफ है कि मैं आज इसलिए आया हूं कि मैं उन्हें श्रद्धांजलि दे सकूं, आज वो हमारे बीच में नहीं। कई सारे वक्ताओं ने विस्तार से बात की है, मैं तो केवल ये कहता हूं कि मैं कांग्रेस की छात्र शाखा का भी अध्यक्ष रहा और इंडिया का यूथ कांग्रेस में भी काम किया, और सर के साथ एक एसोसिएशन था, एक लगाव था, हमारे गाइड थे, नेता थे। और एक जो खास बात उनकी थी, और राहुल जी अक्सर इस बात को कहते हैं कि नेता वो नहीं है जो खुद अपने आप को डेवलप करे, अपने आप को खड़ा करे, नेता वो है जो लोगों को खड़ा करे। तो एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के लोगों को जिस तरह से उन्होंने खड़ा किया, और इतनी सारी लीडरशिप उन्होंने इस देश के अंदर और खासतौर से महाराष्ट्र के अंदर और उसमें भी विशेष रूप से मुंबई के अंदर दिए, मैं समझता हूं कि वो बाकी लोगों के लिए भी एक सबक है कि लीडरशिप का मतलब ये होता है कि सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स नहीं करनी है बल्कि अपने साथ साथ आने वाली जनरेशन को खड़ा करना है। आदरणीय शुक्ला जी ने भी कहा कांग्रेसी होना अच्छी बात है मगर जिस विचार के लिए आप काम करते हैं, पॉलिटिक्स का मतलब केवल एमपी एमएलए मंत्री बनना ही नहीं होता। अगर आप किसी भी विचार के लिए, वो दक्षिणपंथ हो, वो वामपंथ हो, वो समाजवाद हो, या वो मध्यमार्गी विचार हो जिसको गांधीवादी विचार कहते हैं, जिस विचार के लिए आप काम करते हो उस विचार के लिए आप कमिटेड हो, आपके अंदर जुनून हो, जोश हो, जज्बा हो, दीवानगी हो, मैं समझता हूं कि वो जोश और जज्बा और वो दीवानगी उस विचार के लिए उनके अंदर थी, परिवार के लिए तो थी ही। तो मैं उनको विशेष श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तुम्हें कहता है गुजरा कौन, तुम जिंदों से बेहतर हो, तुम्हारी खूबियां जिंदा, तुम्हारी नेकियां बाकी। धन्यवाद। सभी शोकाकुल मित्र परिवार, गुरुदास जी 1984 में पहली बार लोकसभा किसान ने मुंबई से लड़े, और पहली बार मैं 1985 में विधानसभा घाटकों पर से लड़ा। तब से
सामाजिक कामों में एक होकर किस प्रकार काम कर सकते हैं, उनका राजनीतिक प्रवास और अनुभव बड़ा था, तो निश्चित रूप से उस दृष्टिकोण से जो जनहित का काम है वहां पर राजनीतिक विचारों को बाजू पे रखकर किस प्रकार से काम करना, अगर ये मुझे देखने मिला तो गुरुदास जी के कार्य पद्धति से मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उन्होंने जनहित के कामों में कभी राजनीतिक विचारों को बीच में नहीं लाए। अनेक वक्ताओं ने कहा यह बात सही है, बहुत स्पष्ट वक्ता थे, कभी कभी उनकी बातें कुछ लोगों को कड़वी भी लगती होगी, लेकिन अपने विचार में स्पष्ट होने के कारण लॉजिक के साथ वो उस बात को कन्विंस करके भी रखते थे, तब पता चलता था। आज भी पिछले 2-3 सालों में विशेष रूप से झुग्गी झोपड़ियों के बारे में विशेष रूप से कोई सूचना या कोई काम या कोई समस्या ऐसी आती थी तो निश्चित रूप से वो मुझे कहते थे कि इसमें इस प्रकार का काम करना चाहिए, और वो जो सलाह रहती थी वो भी एक जनहित का विषय उसमें रहता था। बेबाक इस प्रकार का व्यक्तिमत्व था, इस बारे में तो निसंदेह, पार्टी के विचारों के ऊपर जाकर भी मेरे जैसे बहुत सारे मित्र गुरुदास जी के साथ उनके परिवार के साथ जुड़े। निश्चित रूप से हमारे पारिवारिक संबंध थे उनके परिवार से, जब वो प्रीमियर श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित देवियों सज्जनों, देखिए सृष्टि का नियम है, जो आया उसको जाना है, जो भी आया वो गया है, लेकिन समय से पहले कोई जाता है तो उसकी तकलीफ होती है। इस प्रकार से मैं तो किसान का बेटा हूँ, तो अगर कच्ची फसल कटती है तकलीफ होती है, पक्के कटती है तो वो अच्छी लगती है। अभी इनका जाने का समय नहीं था, गुरदास का मती का, हमने इनका लंबा जीवन और संगठन के आदमी थे, इसमें को दो राय, NSUIC से लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी तक इन्होंने सफर तय किया अपने जीवन में, और हमारे को भी मौका मिला बहुत बार साथ रहने का। 1996 में ये NSUI के अध्यक्ष बने, और अपने स्टूडेंट जीवन से इन्होंने राजनीति शुरू करी यहाँ महाराष्ट्र के, और 84 में पहली दफा सांसद बने, उस टाइम ये महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और 91 में जब सांसद थे मेरे को भी मौका मिला, मैं उनके साथ, वो 5 बार सांसद रहे जिनमें से 3 बार मैं उनके साथ रहा। 84 में वो सांसद रहे, 91 में मैं उनके साथ था, फिर 98 में और फिर 2004 में सांसद रहे, और जैसे मैंने कहा 87 में अखिल भारतीय यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने। हम भी सब यूथ कांग्रेस से NSUI से निकले हुए हैं, और यूथ कांग्रेस में उनके साथ काम करने का हमारे को बहुत मौका मिला। केंद्र में मंत्री रहे, और 91 में जब सांसद चुके गए मेरे पड़ोसी रहे, हम साथ साथ रहे, विलिंगडन किसन पे इनका मकान था, मेरा भी वहीं रहा, सामाजिक तौर पे भी बहुत कड़े संबंध रहे। वो संगठन के एक मजबूत सिपाही थे शुरू से नीचे से लेकर, और गरीब आदमी जैसे अभी पहले कह रहे थे, झोपड़ी वाले हो, गरीब आदमी हो, अल्पमत हो, दबे हुए हो, उनकी आवाज सदा उन्होंने उठाई, तो आज उनका बहुत
बाकी अभी संगठन को भी और मुंबई को भी और देश को भी उनकी बहुत जरूरत थी। उनका भविष्य उज्ज्वल था, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो अपने इरादे के मजबूत थे और बेपाक बहुत स्पष्टवादी, जो मैंने देखा उन्हें कई दफा संगठन में भी, कई दफा ऐसी स्थिति आ जाती है जहां आदमी को, लेकिन अपना आत्म सम्मान सदैव उन्होंने रखा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो अपना आत्म सम्मान रखता है वही दूसरे का सम्मान कर सकता है। वो अपना आत्म सम्मान भी रखते थे और दूसरे का सम्मान भी करते थे, चाहे वो दोस्त का हो, चाहे पार्टी के नेता का हो। जब भी इसी वास्ते एक आम छोटे से कार्यकर्ता के दिल से लेकर श्रीमती सोनिया गांधी के दिल तक उन्होंने दिल में उन्होंने अपनी जगह बनाई। काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ आणि जुंजा नेते गुरुदासजी कामत यांच्या असामायिक निधनाच्या संदर्भामध्ये सर्वपक्षीय श्रद्धांजली सभेचं या ठिकाणी आयोजन करण्यात आलं। त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी त्यांच्या पक्षाची नेते मंडळी कार्यकर्ते मंडळी तर आहेच, पण विरोधी पक्षाचे देखील सर्व राजकीय पक्षाची नेते मंडळी या ठिकाणी त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी उपस्थित आहेत। यावरून गुरुदासजींचं व्यक्तिमत्व हे कसं सर्वसमावेशक होतं, स्वतःच्या पक्षाचा सोबतच इतरही पक्षाच्या कार्यकर्त्या नेत्यांचं सम्मान की नजर से देखते थे और उनके जाने से ना सिर्फ मुंबई को, महाराष्ट्र को, कांग्रेस पार्टी को, लेकिन देश की राजनीति को और हम सब लोगों को गहरा सदमा पहुंचा है। मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे और एक बार पुनः राजस्थान प्रदेश को काँग्रेस पक्षाची आणि देशाच्या राजकारणाची फार मोठी हानी इतक्या कमी वयात अचानकपणे त्यांना सर्वांना कामजी जरी मुंबईमध्ये पक्ष संघटनेमध्ये खूप समृद्ध झाले होते, त्यांनी अनेक वर्ष केले। 1984 साली पहिल्यांदा राजीव गांधी यांच्या आग्रहाने ते लोकसभेची निवडणूक लढले, यशस्वी झाले। बात अगर एक हो तो एक बात बता दूं, पर जिस इंसान ने 45 साल कांग्रेस को खड़ा किया देश में, बहुत ही बड़े कद्दावर, हमेशा ये कहा जाता है कि दिल्ली का नेतृत्व जो होता है उनको गलने का कुछ पता नहीं होता, लेकिन ये वो इंसान थे, ये वो नेता थे जो दिल्ली में बैठे लेकिन गली का कार्यकर्ता भी क्या कर रहा है उसकी पूरी मालूमात उनको होती थी। एक बहुत बड़ी क्षति कांग्रेस ज्यादा गरीबी हमारे तालुका थे, क्योंकि मेरे से 3 साल आगे थे, वो एनएसयूआई में अध्यक्ष थे, मैं सेक्रेटरी था। मैं एनएसयूआई से मेरे कॉलेज जीवन से मैं उनको जानता रहा और हम दोस्त रहे, अब नहीं रहे। बहुत ही बड़ी क्षति पार्टी के लिए और व्यक्तिगत उनके परिवार के लिए। हिंदी मराठी
नहीं, गुरदास जी ये अपने दुनिया में नहीं रहे, वो बहुत बड़े नेता थे मुंबई में, उनका पूरा कार्यभार जो था वो मुंबई से चलता था। 84 में वो सांसद बन गए, राजीव जी गांधी का साथीदार बन गए, ऑल इंडिया के युवक कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। यहाँ एनएसयूआई से उसने शुरुआत किया, एनएसयूआई युवक कांग्रेस, जब महाराष्ट्र के वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो और मैं इधर गांधी भवन में दोनों साथ में बैठता था, मैं महाराष्ट्र प्रदेश का तभी जॉइंट सेक्रेटरी था। और एक अच्छा काम करने वाला, अच्छा संगठक, और मुंबई के हर समस्या का हल करने वाला नेता, और कांग्रेस से जिसका निष्ठा था, जिन्होंने पार्टी का बदलाव कभी किया नहीं, लड़े लेकिन कांग्रेस में आखिर तक उसने पूरा ज़िंदगी बिताई। मैं हम लोग ये चाहते हैं कि ऐसा नेता हमारे में चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से नहीं है। उनकी प्रेरणा हमें कांग्रेस को आगे लेके जाने के लिए, उनका जो इच्छा था कि कांग्रेस आगे होना चाहिए, जाना चाहिए, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए और कांग्रेस का सत्ता वापस आना चाहिए, ये जो गुरुदास की मंशा थी वो मंशा पूरा करने का काम हम लोग करेंगे और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। नहीं, वो संगठन तो हुई है ना, वो संगठन में थे, अच्छा संगठक थे, तो इसका परिणाम तो संगठन के ऊपर हुआ है, उनके फैमिली के ऊपर हुआ है, उनके दोस्त के ऊपर हुआ है, वो सबके लिए, दोस्तों के लिए तो इतना ज़ोर से लड़ते थे कि वो जो कहते थे वो होना ही चाहिए, ऐसा उसका मंशा था। वो लड़ाव नेता था, एक अच्छा कांग्रेसी नेता था। उनके जाने से कांग्रेस को, मुंबई वाले को और पूरे महाराष्ट्र देश के लिए बहुत बड़ी क्षति पहुँचे हैं, हम उसके श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कामत साहब और मैं गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में साथ में पढ़े, सालों तक बहुत अच्छे मित्र रहे, उस समय दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं थे और उनका जो व्यवहार, उनके कार्यकर्ताओं को साथ में ले जाने का तरीका, हम सब और काम करने का और एक में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास अभाव, ये दूसरे राजनीतिकों से वो उनको अपन दोनों एक ही कॉलेज सदियों में पैदा होते और जो उन्होंने सामाजिक काम और कार्यकर्ता के लिए लड़ते थे, ये खेत पूरी मुंबई कांग्रेस को रहेगा, मैं समझता हूँ ऑल इंडिया कांग्रेस को रहेगा। सच लोकप्रिय नेते गुरुदास जी कामत यांचं जे अचानक असामायिक निधन झालं, त्यांच्या निधनामुळे केवळ काँग्रेसचंच नाही तर पुरोगामी चळवळीचं देखील फार मोठं नुकसान झालेलं आहे। फुले शाहू डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारावर श्रद्धा असलेला हा नेता, त्याच्या मनामध्ये गरिबांबद्दल, दलित असतील, आदिवासी असतील, अल्पसंख्याक समाज असतील, भटके असतील, समाजाबद्दल जी कणव त्याच्यामध्ये होती आणि त्यातूनच जेव्हा जेव्हा त्या पदावर असोत की नसोत, पण या समाजाच्या विकासासाठी आणि उद्धारासाठी त्यांनी अतोनात प्रयत्न केले। एक उत्साही आणि संघर्षशील अशा प्रकारचं त्यांचं नेतृत्व होतं। आपल्या स्वाभिमानाशी कधी त्यांनी तडजोड केली नाही, ते स्वाभिमानी होते पण अहंकारी नव्हते, आणि त्यामुळे जे स्वतःचा स्वाभिमान कायम राखतात ते इतरांच्याही स्वाभिमानाचा सन्मान करत असतात, असं हे
सर्वसमावेशक नेतृत्व महाराष्ट्राने देशाने गमावलेलं आहे. त्यांच्या निधनामुळे केवळ काँग्रेसची हानी झाली नाही, आज देशामध्ये जे काही एक अत्यंत गढूळ अशा प्रकारचं पर्यावरण आहे, एक भीतीयुक्त वातावरण जे आहे, अशा वातावरणामध्ये जेव्हा खऱ्या अर्थाने एक योद्ध्याची गरज होती त्यांच्या मृत्यूनं, या पर्यावरणामुळं राजकीय पर्यावरण गढूळ करणाऱ्या देणाऱ्या त्यांच्या निधनामुळे आम्ही केवळ काँग्रेसचीच नाही पुरोगामी मोठी हानी झालेली आहे. त्यामुळे पीपल्स रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीनं, समस्त आंबेडकरी जनतेच्या वतीनं, माझ्या परिवाराच्या वतीनं त्यांच्या स्मृतीस मी विनम्र श्रद्धांजली अर्पण करतो. धन्यवाद. जय भीम. पहले आठ मिनट का गुरुदास जी का जो निधन हुआ वो बहुत ही दुखद घटना हुई. ये समय नहीं था, समय के पहले उनका निधन हुआ और 15-20 साल वो सक्रिय रह सकते थे. एक अनुभवी नेता जो पहले सांसद रहा, 28 की उम्र में सांसद रहा, फिर 5 बार सांसद रहा, राजीव जी गांधी के साथ में जिनको काम करने का सौभाग्य मिला, सोनिया जी गांधी के साथ में जिनको सौभाग्य मिला काम करने का, राहुल जी के साथ में, मनमोहन सिंह जी के साथ में, उनका रहना आज की स्थिति में विरोधी दलों के लिए आवश्यक था. आज वो नहीं रहे. गरीब गवई परिवार की तरफ से और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ. बहुत बड़ा नुकसान हुआ है. एक अनुभवी नेता, जिस तरह के मैंने कहा कि जिन्होंने अपने ये 30-40 वर्षों के अपने जीवन में अनेक अनेक नेताओं के साथ में काम किया, उनकी काम करने की पद्धत उन्होंने सीखी, उनके पास में एक अनुभव की पूंजी थी, वो पूंजी आज हमें मिल सकती थी. सर, कहीं ना कहीं जो जमीन से जुड़े थे वो नेता थे, तो सर गरीब का मतलब नुकसान हुआ है लोगों को भी. बड़ा नेता खो चुके. मैंने वही कहा कि बड़ा नेता खो चुके हम, जिसका अनुभव था, जमीन से जुड़ा हुआ था, कार्यकर्ता से जुड़ा था. कमी रहेगी, कमी तो भरनी पड़ेगी. अब कैसा भरेगी वो कांग्रेस पक्ष देखेगा, कमी तो रहेगी. लेकिन मित्र, मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया नेता हूँ और मुझे इस ये जो कंट्रोवर्शियल चीज़ है वो मुझे बोलना उचित नहीं लग रहा है. वो उनका हक है, उनका घर है, वो कमी कैसे वो करेंगे, वो राहुल जी का अधिकार है, अन्य लोग अशोक जी का अधिकार है, अन्य लोगों का अधिकार है, पृथ्वीराज जी का अधिकार है, हमारा अधिकार वो नहीं है.